हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नर्सिंग लेक्चर में स्वागत है। जो आपको इमेज में फ्रंट पे दिख रहा है, आई एम डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ओके, तो आज मेरा टॉपिक है वो है दर्द के, मतलब कि टाइप्स ऑफ पेन, मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी पेन होते हैं, उनमें कौन कौन सी मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पेन होता है, उस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पेन होने की भी अलग अलग ऑर्गन्स में भी पेन होते हैं। अलग अलग ऑर्गन में पेन होने की वजह से उनके अलग अलग मेडिसिन भी होती हैं। पर्टिकुलर एरिया में पेन होता है तो उनके लिए अलग से मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। तो इस लेक्चर में हम उन पेन और पेन को रिलीव करने के लिए जो मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं, उनके नाम को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ये MCQs में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, फ्रंट पे इसमें दिया है। फर्स्ट है हमारा माइल्ड हेडस के बारे में पढ़ेंगे, सीवियर हेडस, ईयर पेन और टीथ पेन, स्टमक पेन, जॉइंट पेन और स्वेलिंग पेन एंड ऑर्गन पेन एंड इंजरी पेन। इन सभी पेन के जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखते हैं आगे। आप देख सकते हो जो आपको इमेज एक दिख रही है, माइल्ड हेडेज। हमारे हेड में पेन के भी कई कारण होते हैं। टेंशन से भी पेन होता है, हेडेज होता है हमारे हेड में। इनमें भी कई टाइप्स के पेन होते हैं। आप देख सकते हो इसमें सीवियर हेडेज होता है, माइल्ड हेडेज होता है। ओके, एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अब हमारा आता है एस्प्रिन। मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से मेडिसिन लेने से बॉडी का पेन रिलीव होता है। देन हम एस्प्रिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह टैबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। अगर नॉर्मल हेडेच हो रही है हम एस्प्रिन को यूज कर सकते हैं। एस्प्रिन के नाम से मिलता है, आप देख सकते हो इमेज के थ्रू। एंड जो इसकी डोज होती है वो 500 mg होती है OD, मतलब कि दिन में एक टाइम लेना होता है। ओके, मतलब कि जो टैबलेट होती है एस्प्रिन की, उसे अगर आप पानी में आधा कप पानी में घोल के आप पी सकते हो। ओके, एंड साइड इफ़ेक्ट आप देख सकते हो, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है एंड हार्ट बर्निंग भी हो सकता है। ओके, साइड इफ़ेक्ट पता होनी चाहिए हमें एंड आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें देख सकते हो ब्रूफेन भी एक पेन किलर ही है। जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में, वो पेन किलर मेडिसिन ही हैं। ब्रूफेन या टैबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि जो ब्रूफेन है वो जब नॉर्मल हेडेच होती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज में भी कलर देख सकते हो और इसकी आइबुप्रोफेन टैबलेट से IP दे रखा है। ओके, एंड इसकी जो डोजेज है वो 600 mg है, OD है, दिन में एक ही बार देना है। एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी साइड इफ़ेक्ट वही है, नोजिया है, वोमिटिंग है, डिजी एंड हार्ट बर्निंग है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। एक मेडिकल स्टूडेंट अगर इनकी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लग रही है तो इसकी नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है जो कि होनी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं एसीटामिनोफेन। ओके, यह टैबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। ये भी टैबलेट सामान्य सर दर्द में ही यूज़ की जाती है। आप इमेज पे देख सकते हो मेडिसिंस को, और डोजेज है इसकी 650 mg OD देनी होती है। एंड इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नोज़िया। नोज़िया का मतलब होता है जी मिचलाना, वोमिटिंग होती है, डिजी चक्कर आना होता है, हार्ट बर्निंग हो सकता है। सबका जितनी भी मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट वही है साइड इफ़ेक्ट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
अब हमारा कॉम्बी फ्लेम। ये टैबलेट ज़्यादा सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। सो जब सीवियर हेडेच होती है तो कॉम्बीफ्लेन उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत रिलीफ दिलाता है, इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो जो इसकी डोजेज होती है वो 300 mg होती है। SOS जो मतलब कि एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पर ही इसे यूज़ की जाती है, क्योंकि ये तुरंत रिलीव करती है। एंड इसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ डेंजरस ही हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग होना, डिजी होना, कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टमक पेन भी हो सकता है। सो आप साइड इफ़ेक्ट का ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि जब ईयर में पेन होता है तो हम कौन कौन से मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड हम देखते हैं, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि जब ईयर में पेन हो तो हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अब टीथ पेन, दांतों का दर्द, दांतों के दर्द, ये स्वेलिंग पेन होती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एसीटोफिनेक टैबलेट्स। ओके, यदि शरीर के किसी भी भाग में सूजन और उसकी वजह से दर्द हो तब इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। डोजेज इसकी 100 mg होती है। जब बॉडी में किसी भी पार्ट में, पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन होता है देन हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसकी जो डोजेज होती है वो 100 mg होती है, और जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो नोज़िया, वोमिटिंग एंड डायरिया और हार्ट बर्न हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीथ में पेन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर पेन है। सो इस वीडियो में हमारे जितने भी पेन होते हैं सो उनके मेडिसिन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो धन्यवाद।